शिवपुरी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालियर बाईपास के आगे तेज रफ्तार एम्बुलेंस चालक ने स्कूल बस में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एम्बुलेंस चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। घटना क्रम की जानकारी के अनुसार बस का टायर पंचर होने की वजह से बस चालक बस का पंचर जुड़वाने ग्वालियर बाईपास के आगे खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस चालक ने बस के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बस में कोई छात्र छात्राएं नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में एम्बुलेंस चालक एवं हेल्पर घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम अरुण कुशवा। बस में कैसे क्या पड़ी है? ये बस पंचर जुड़वाने आई थी, साइड में खड़ी हुई थी, ड्राइवर पंचर जुड़वा रहा था, पीछे से एम्बुलेंस ने जोरदार टक्कर मारी। तेज रफ्तार में थी गाड़ी? तेज रफ्तार में होगी, साइड में खड़ी हुई थी। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान आगे से डैमेज हो गई, पीछे से हो गई, और अब जब देखा जाएगा तब पता पड़ेगा। किसी का चोट वगैरह तो नहीं आई? ड्राइवर के यहाँ पे आई है। और बच्चे तो नहीं थे गाड़ी? बच्चे नहीं थे। बादशाह खान साहब, एक्सीडेंट हुआ? कैसे क्या हुआ? एक्सीडेंट ये तेज हुआ, बस वाला बहुत एम्बुलेंस वाला बहुत स्पीड में आया, मैं तो खड़ा था, और इसी बहाने बस में मारी, फिर मेरी गाड़ी में मारी। मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे तीन तीन लड़की हैं, शादी लागे, और भाई साहब मैं इसी से रोजी कमाता हूँ, रोज आना धंधा करने के लिए निकलता हूँ। गाड़ी पूरी टूट गई है? पूरी टूट गई है साहब, इसका कुछ होना चाहिए। साइड में खड़ा था साहब मैं तो, एक तरफ स्पीड में आके उसने मेरी गाड़ी में मार दिया था। बस पहले से खड़ी थी? मैं बस के बाजू में था। मैं भी कम से कम 120 की स्पीड में होगा साहब, बहुत स्पीड में आया उसने मार दिया साहब। एम्बुलेंस वाला बेहोश हो गया, उसका हॉस्पिटल ले आया गया जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।